हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रीति बेरवा। आप लोग बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो यूनिट फर्स्ट थी उसका फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी पढ़ाई थी, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाया था। आज हम देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बॉन्ड लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा और पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि जो एटम्स होते हैं, दो एटम्स के ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? आपस में ओवरलैप करते हैं, उससे क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई? दो बॉन्डेड न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, मान लो ए बी कोई मोलिक्यूल है, के अंदर दो एटम्स कौन कौन से हैं? एटम ए और एटम बी है। तो ए बी मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियस से दोनों की डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाया बताया हुआ है। तो बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला क्या हुआ? डी ए बी इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। यहाँ पर डी क्या है? डिस्टेंस है। ए बी मतलब डिस्टेंस क्या है? ए बी मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस, या उसे हम क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। वो किसके इक्वल्स टू होती है? आर ए प्लस आर बी। यहाँ पर आर ए क्या है? रेडियाई ऑफ एटम ए, और आर बी क्या है? रेडियाई ऑफ एटम बी। जब कंपाउंड्स ए बी में दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, मतलब हमने जो मॉलिक्यूल लिया है ए बी मॉलिक्यूल, अगर उस मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो उनकी बॉन्ड लेंथ दोनों एटम्स के कोवलेंट रेडियाई के सम के इक्वल होती है। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट देखी है, डी ए बी इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। ये फॉर्मूला कब लागू होगा? जब हमने जो मॉलिक्यूल लिया है ए बी, उसमें दोनों एटम्स ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणताएं सेम होगी। तो हम बॉन्ड लेंथ कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? इक्वेशन वन वाला जो फॉर्मूला है डी ए बी इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी वाले फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर आर ए क्या है? कोवलेंट रेडियाई ऑफ एटम ए, और आर बी क्या है? कोवलेंट रेडियाई ऑफ एटम बी। लेकिन अगर हमने जो मॉलिक्यूल लिया है ए बी, अगर उसमें दोनों एटम्स ए और बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर वो डिफरेंट होगी, तो हम बॉन्ड लेंथ या दोनों एटम्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसको जो फर्स्ट इक्वेशन वाला फॉर्मूला था उससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? डिफरेंट है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? डी ए बी इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। अब यहाँ पर एक्स ए क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। आर ए कोवलेंट रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई है एटम ए की। आर बी क्या है? एटॉमिक रेडियाई ऑफ एटम बी। इक्वेशन सेकंड को हम क्या बोलते हैं? सोमेकर एंड स्टीवंस रिलेशन भी कहते हैं। एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि सोमेकर एंड स्टीवंस रिलेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखिए। तो आप लोग जो इक्वेशन सेकंड है उसको लिखोगे और उसके बारे में बताओगे। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। अब जो बॉन्ड लेंथ होती है मॉलिक्यूल्स में या जो बंध लंबाई होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर है बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो आप लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देख ही लिया कि अगर बॉन्डेड दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने पर उनके बीच में क्या होगा? प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ने पर बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, जिससे बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अब आप लोग वापस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखना। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? डी ए इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। लेकिन अगर बॉन्ड सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तो फॉर्मूला क्या होगा? डी ए बी इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। अब माइनस लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनमें आयनिक करेक्टर्स बढ़ जाएंगे तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और वो एटम्स आपस में पास आ जाएंगे तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी।
सेकंड जो फैक्टर है वो है हाइब्रिडाइजेशन। एटम की हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर बनने पर उनके मध्य की डिस्टेंस कम हो जाती है, मतलब परसेंट एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो उनके जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। का मतलब क्या हुआ, बोन लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। अब आप लोग यहाँ पे नीचे जो बोन्ड का जो ऑर्डर बताया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें आप लोग देखिए कार्बन सिंगल बोन्ड, कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। तो उसमें उस हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितना है, 25। एस जो कार्बन डबल बोन्ड कार्बन है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो एस कैरेक्टर कितना हुआ, 66, सॉरी 33.3। अब जो लास्ट का जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन ट्रिपल बोन कार्बन, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, तो उसमें 50% क्या है, परसेंट एस कैरेक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे तो परसेंट एस कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी। थर्ड जो फैक्टर है वो है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अनुनाद। इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस से दो एटम्स के बीच बॉन्ड ऑर्डर का मान प्रभावित होता है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो अफेक्ट होता है। बॉन्ड ऑर्डर अफेक्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ भी अफेक्ट होगी। बॉन्ड ऑर्डर की संख्या 1, 2, 3 कोवलेंट बॉन्ड को प्रदर्शित करती है। इसका क्या मतलब हुआ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दो, क्योंकि दो बॉन्ड से बंधे हुए हैं दोनों एटम्स। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तीन है, बंध क्रम तीन है। तो डीलोकलाइजेशन अगर प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो अफेक्ट होगा। बॉन्ड ऑर्डर अफेक्ट होने से उसकी बॉन्ड लेंथ भी अफेक्ट होगी। बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। डीलोकलाइजेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो ओटो मॉलिक्यूल का लिया है। ओटो मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ओ ऑक्सीजन होता है, मतलब दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, टू हो गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.21 अंगस्ट्रोंग है। उसी प्रकार जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तीन है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.10 अंगस्ट्रोंग। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है, तो बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी डिफरेंट होगी। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड ऑर्डर दो है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.21 अंगस्ट्रॉन्ग होगी, जबकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया तो उसे उसकी बॉन्ड लेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। उसी प्रकार कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से जब हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की तरफ मूव करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, 1, 2, 3। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पिछली स्लाइड में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। अब आप लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए बेंजीन मॉलिक्यूल का। बेंजीन की स्ट्रक्चर आप लोगों ने 12th में सबने पढ़ी होगी, बेंजीन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। बेंजीन जो है वो साइक्लिक कंपाउंड होता है, उसमें तीन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तीन पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें तीन तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और तीन ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ दो टाइप्स की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, 1.54 अंगस्ट्रोंग और 1.34 अंगस्ट्रोंग। इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन में दो टाइप्स के बॉन्ड होने चाहिए और उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की थोड़ी होती, एक बॉन्ड ज्यादा लंबा होता, एक छोटा होता, उस टाइप की होती। लेकिन वास्तव में बेंजीन में सभी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होती है। सेम क्यों होती है, क्योंकि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है।
हम डीलोकलाइजेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पर लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात की थी, लेकिन बेंजीन मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन पाया जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इसके कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सभी एटम्स में क्या होती है, सेम होती है। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होगा, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे मॉलिक्यूल में फैले हुए रहते हैं। तो इसके जो बेंजीन की केकुले ने जो स्ट्रक्चर दी थी उसकी जो यहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर्स बताई हुई है उसमें आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि जो पाई बॉन्ड है उनका पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है।